कि भाई साहब जब तक आप आते रहोगे मैं दवाई खिलाता रहूँगा आपको। मैं और गीता दोनों को अच्छी आ गई उसी टाइप पे। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज है और मैं मथुरा से हूँ। सुबह के अभी लगभग 9:30 बजे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें आगरा जाना है दवाई लेने के लिए। अपने पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि आगरा जाना है दवाई लेने के लिए, तो वहीं जाने के लिए मैं नहा धो के एकदम रेडी हूँ। अभी हमें आगरा के लिए निकलना है। तो छोटा भाई अपने उसके किसी दोस्त की मम्मी की तबीयत ख़राब है तो वहाँ पे गया हुआ है उन्हें दिखाने के लिए, तो उसकी बाइक से ही मैं जाता हूँ। वैसे बाइक तो मेरे घर में एक और है, ये खड़ी है पीछे अपाचे, लेकिन इसका खर्चा इतना ज़्यादा है यार कि रेल बना देती है पेट्रोल के खर्चे में ही। कम से कम आगरा आने जाने में 250-250 रुपये का पेट्रोल खा जाएगी, और थोड़ी सी पैसे की यार तंगी चल रही है, इसमें कोई झूठी नहीं है, ना ही मैं सेगी बढ़ाऊंगा अपनी, थोड़ी सी तंगी चल रही है। तो इस गाड़ी को लेके नहीं जाना चाह रहा। छोटे भाई की जो बाइक है उसका पेट्रोल का खर्चा बहुत ही कम है, वो 100 या 150 रुपये के पेट्रोल में मुझे आराम से ले आती है आगरा से, तो उसी को लेके जाता हूँ। अब उसी का वेट हो रहा है कि वो आ जाए तो निकलेंगे आगरा के लिए। तो दोस्तों बने रहिए आगे। दोस्तों यार आप लोगों से भी एक शिकायत थी, कल मैं अपना चैनल चेक कर रहा था, वहाँ से मुझे पता चला कि वैसे तो मेरे वीडियो को 82% मेरे सब्सक्राइबर ही देख रहे हैं और केवल 30% नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं, लेकिन जितने भी सब्सक्राइबर मेरा वीडियो देख रहे हैं वो यार पूरा नहीं देखते। तो प्लीज़ यार वीडियो पूरा देखा करो। ये जो मेरे पीछे है मेरे पड़ोसियों का घर है, ये देखिए कितने अच्छे फूल आ रखे हैं इस पर। बरसात का मौसम है तो फूल भी अच्छे आ रहे हैं। और इसी के बगल में एक नींबू का पेड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पड़ोस के जितने भी लोग हैं सारे इसी से नींबू खाते हैं। अभी इस पर आपको दिख रहे हैं कि नहीं पता नहीं, पर छोटे छोटे हरे हरे अभी आ चुके हैं, अभी हरे हैं नींबू। तो हमारी गली के जितने भी लोग हैं चलते फिरते यहीं से तोड़ लेते हैं। सब लोगों का नींबू का काम इसी पेड़ से चल जाता है। बहुत कम लोग खरीदते हैं नींबू, जब इस पर लग जाते हैं थोड़े दिन में ये पकना शुरू हो जाएंगे। देखिए दिखाता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी मोटे मोटे नींबू आते हैं इस पर। सारे पड़ोसी यहीं से अपने नींबू का काम यहीं से चला लेते हैं। तो भाई ये नगर पालिका की गाड़ी आ चुकी है और सभी हमारे पड़ोसी एक एक करके अपना अपना घर का कचरा डालने जा रहे हैं गाड़ी में। आप सबके यहाँ भी आती हैं कि नहीं बताइएगा जरूर। भाइयों हम आ चुके हैं हॉस्पिटल, पर्चा बनवाते हैं अपना और डॉक्टर को दिखाएंगे। और हर बार की तरह गीता फिर मेरे साथ में आई है। तो दोस्तों मैं हूँ इस वक्त आगरा के बहुत ही मशहूर गुरु का ताल में। ये गुरुद्वारा है, आगरा का काफ़ी पुराना गुरुद्वारा है, बड़ा ही अच्छा बना रखा है। अंदर लंगर चला हुआ, अभी खा के आया हूँ। गीता अभी भी अंदर ही है, गीता मत्था टेकने के लिए गई है गुरुद्वारे में। चलो ठीक है, तुम गुरुद्वारा घूम लो, मैं थोड़ा सा पैर से परेशान हूँ तो ज़्यादा घूमने गया नहीं मैं अंदर, बस लंगर खा के बाहर ही आ गया हूँ। तो इधर बैठा हुआ था मैंने, चलो अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाते हैं इस गुरु का ताल गुरुद्वारे को। बड़ा ही गजब का बना हुआ है भाई साहब। आप कभी आगरा आओ तो सिकंदरा से मुश्किल से 1 या 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, बहुत ही ज़बरदस्त बना रखा है। आप किसी भी टाइम 24 घंटे यहाँ पर लंगर चलता रहता है, तो आप कभी भी आके यहाँ पे लंगर खा सकते हो। घूमने के लिए भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ घूमने आ सकते हो। यहाँ पे काफ़ी लोग आते रहते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो लगातार घूमने वाले आ रहे हैं, तो आप भी आ सकते हो, कभी भी घूमो यहाँ, बहुत ही अच्छी जगह है। तो दोस्तों बहुत दिन बाद किसी गुरुद्वारे में गया हूँ, बड़ा ही मज़ा आया। गुरु का ताल गुरुद्वारा है आगरा का, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। आप भी अगर कभी आओ तो आ सकते हो यहाँ पर घूमने के लिए। गीता गई अभी सामान लेने, अंदर कैमरा अलाउ नहीं किया तो सॉरी यार, अंदर नहीं दिखा पाया कुछ भी। अंदर भी बहुत अच्छा और बहुत ही भव्य बना रखा है इन्होंने, बड़ी अच्छी जगह है यार घूमने के लिए। ये मेरे पीछे निशान साहब है, ये देखिए बड़ी गजब की जगह है। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है, ऐसा नहीं है कि छोटा हो, काफ़ी बड़ा है। अंदर 2-2 जगह लंगर चल रहे हैं, कभी भी आइए कभी भी खाइए। झिक पेट बड़े प्रेम से आराम से खिलाते हैं, बड़ा ही मज़ा आया गया। बहुत दिन बाद गुरुद्वारे में गया मैं किसी में, इससे पहले मैं दिल्ली गया था एक बार, दिल्ली में घूम के आया था। वो शायद कौन सा गुरुद्वारा था ये भी नाम भी ध्यान दिया, क्योंकि 7-8 साल हो गए उस समय पे गया था। आज काफ़ी दिन बाद गुरुद्वारे में जाके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आगरा से हम वापस आ चुके हैं दवाई लेकर। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, इतना बुरा भी नहीं रहा, जो सोच के गए थे वो काम हो गया। और डॉक्टर साहब से जब मैंने पूछा, आज आपको सुबह बताया था मैं डॉक्टर साहब से आज पूछूंगा कितने दिन दवाई और खिलाओगे, डॉक्टर साहब बोले कि भाई साहब जब तक आप आते रहोगे मैं दवाई खिलाता रहूँगा आपको। मैं और गीता दोनों को अच्छी आ गई उसी टाइप पे, ये क्या कह रहे।
वो बोले कि जब तक आप आते रहोगे मैं दवाई खिलाता रहूंगा, मुझे क्या जोर पड़ रहा है, मेरे को 400 रुपये मिल रहे हैं आपसे, मैं क्यों मना करूंगा, मेरी कुछ दवाइयाँ भी बिक रही हैं। वैसे तो यार आगरा आने जाने में थक जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा बाइक चलाने की आदत रही नहीं, और काफ़ी लंबे समय से मैं बाइक चला भी नहीं रहा हूँ, बहुत कम चला रहा हूँ, तो थकावट तो थी। और थोड़ा सा आज आगरा जो आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आप देखेंगे शुरुआत में, वहाँ गुरुद्वारे में घूमने गए थे, वो गुरु का ताल गुरुद्वारा है वहाँ पे, तो थोड़ा टहलने मिलने में इधर उधर काफ़ी एक पैर की वजह से यार काफ़ी दिक्कत होती है घूमने फिरने में, इसीलिए मैं जितने भी वीडियो आप देखते हो मेरे एक जगह बैठ कर ही ज़्यादातर बनाता हूँ, क्योंकि घूमने फिरने में थोड़ी सी परेशानी होती है मुझे। तो दोस्तों शाम के लगभग बज रहे हैं 7:30, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, जितने जो जो काम थे सोचे हुए थे सुबह से वो सभी काम हो गए आज हमारे, मेरी दवाई आ गई, थोड़ा सा गुरुद्वारे भी घूमे, काफ़ी दिन बाद गुरुद्वारा किसी गुरुद्वारे में गए थे घूमने के लिए तो वो भी घूम लिया आज। खासतौर से मैं तो पहले भी एक बार गया हूँ, गीता कभी नहीं गई थी किसी गुरुद्वारे में, तो कल पहली बार गीता ने कोई गुरुद्वारा घूम के देखा, अंदर जाके देखा, मत्था भी टेका, उसे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो अपना काम सारा हो चुका आज का, अब कल से अभी मैं आया हूँ यहाँ मथुरा आया था, तो मेरे पीछे से ही जो ड्राइवर है मेरा गाड़ी खड़ी करके चला गया है, तो उसको मना करना था भाई कल से नहीं आना है, अब आज वो गाड़ी खड़ा करके चला गया है, तो कोई बात नहीं कल सुबह आएगा वो, तो कल सुबह मैं उसे वापस नहीं करूँगा खाली हाथ, क्योंकि कोई सुबह सुबह अपने काम के लिए निकले घर से और उससे सुबह सुबह ही कोई मना कर दे कि भाई नहीं आज मैं नहीं, तो अच्छा नहीं लगता, तो कल वो सुबह गाड़ी चला के आएगा, शाम को जब वापस आएगा तब उससे मना करूँगा कि भाई अब गाड़ी नहीं दे पाऊँगा, गाड़ी मैं खुद चलाऊँगा क्योंकि मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो कल गुरुवार है, तो गुरुवार को वो चलाएगा, शुक्रवार से मैं खुद जाऊँगा गाड़ी, शुक्रवार से गाड़ी मैं खुद ही चलाऊँगा, अब सोच लिया है, सोच क्या लिया यार मजबूरी भी है, अब काम चल ही नहीं रहा बिना गाड़ी चलाए, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं बचा है, तो अपने आप ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, अब अपने आप ही चलाऊँगा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं आकाश सिंह भाई साहब ने, वो पिछले ब्लॉग में जो मम्मी का हलवा बना के दिखाया था, मैंने हलवा बनाया मम्मी ने, तो उस पर एक कमेंट भेजा भाई ने कि हमें भी किसी दिन बुलाओ खाने पे, तो भाई आकाश बाबू आपका अपना घर है, आप मेरे दोस्त के भाई हो, कभी भी आ सकते हो, कभी खाना हो तो बता देना मेरे को, मैं घर पर बनवा दूँगा और तुम्हें बता दूँगा भाई, जब इच्छा हो आपकी जब आ सकते हो, आपका अपना घर है भाई। थोड़ी देर में हो जाएगा अंधेरा, फिर वीडियो क्लोज नहीं कर पाऊँगा ठीक से, तो चलिए आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पूरा देखें भाई, बहुत ज़्यादा वो आ रही है, मैं चैनल देख रहा था, मैंने वीडियो में पीछे भी बताया हुआ है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 82% वही देखते हैं मेरे वीडियोज़ को, लेकिन यार पूरा नहीं देखते, प्लीज़ वीडियो पूरा देखा कीजिए, ताकि आप पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा मेरे वीडियो में कहाँ कोई गलती हो रही है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, लगभग हर ब्लॉग में अपने में बोलता हूँ ये बात, इस बार भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो पूरा देखा कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, नमस्कार।